नमस्कार, यह है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की छठी लिस्ट जारी। राजस्थान के 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। अब तक 24 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस नेताओं का भाजपा में आने का सिलसिला जारी। सोमवार देर शाम जैसलमेर बाड़मेर के सभापति प्रधान सहित 12 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। राजस्थान में इंडिया गठबंधन के तहत सीकर लोकसभा सीट पर माकपा पार्टी के कॉमरेड अमरा राम ने किया नामांकन। भाजपा के प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी मैदान में देंगे टक्कर। मां से आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। कहा, मां का आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। कोटा में एक और सुसाइड का मामला। नीट यूजी की तैयारी कर रहे यूपी के छात्र ने की खुदकुशी। इस साल कोटा में आत्महत्या का 6th मामला। आचार संहिता लगने के बाद झुंझुनू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा के मंदिर में प्रतिमा को खंडित करने का मामला। ग्रामीणों में आक्रोश। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बूंदी जिले के नैनवा में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 35 साल की युवक की मौत। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम 4 दिन की निजी यात्रा पर पहुंचे जैसलमेर। पटवा हवेली का किया भ्रमण। परमाणु नगरी पोकरण का भी किया दौरा। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव जारी। 28 मार्च से सक्रिय हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में बारिश की संभावना। आज की खबरों में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें etvbharat.com पर।